तुम सब तो बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन एक बंदा है जो बढ़िया नहीं रहेगा, जिसके एल लगेंगे तगड़े वाले। आज जो दिखाता हूँ। अब जो लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग लाइकी पे वीडियो बना के सेलिब्रिटी बन जाओगे, उनके लिए सिर्फ एक शब्द। सही कह रहा, बिल्कुल एक नंबर बात बोल दी। इनको लगता है सालों को लाइक की टिकटॉक वगैरह पे वीडियो बना के सेलिब्रिटी बन जाएंगे साले। अपन लोग थोड़ी बनेंगे अनुपम भाई, तुम थोड़ी बनोगे, तुम तो बड़ी रेस के खिलाड़ी हो, तुम ये छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे क्या ही करोगे। अबे भोस क्या कर रहा है भाई, अभी तो बजा रहा था। शराब आ रही है कि नहीं तुम्हें? So, भाई जिसको नहीं पता, ये लौंडा अनुपम राजपूत, अभी रिसेंटली लक्ष्य ने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। और मैं वैसे लक्ष्य की वीडियो देखता भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं देखता भाई क्योंकि मेरा जैनर नहीं है वो, इसलिए नहीं कि भाई हेट हुट करता हूँ, वैसा कोई सीन नहीं है, बस मेरे टाइप की वीडियोस नहीं बनाता। लेकिन ये वाली मैंने देख ली क्योंकि थंबनेल वगैरह सही लगा मुझको। ये लौंडे को क्या धोया, और भाई इसको धोना बनता भी था कसम से। मैं इसको लगभग साल डेढ़ साल पहले से इसकी शक्ल मेरे दिमाग में है, क्यों? क्योंकि तभी टिकटॉक पर बजाता था लिप सिंकर्स की, और टिकटॉक पर मजे वाली बात कही है, टिकटॉक पर लिप सिंकर्स की बजा रहा है जन्नत फैजो इन सब की, क्योंकि वो ग्रो कर रहे थे कि ये लिप सिंक करते हैं, लिप सिंक करना कोई टैलेंट नहीं होता, ये लिप सिंक तो ऐमें ही कोई भी कर लेता, मतलब ये उनकी मेरा ठीक है, आई नो लिप सिंक कोई बड़ा टैलेंट नहीं है। ये लॉन्ड अपनी 15 सेकंड की वीडियो उनकी बजाने वाली, सिर्फ गालियां दे रहा है, लिप सिंक टैलेंट नहीं होता, इसकी माँ की इसकी बहन की, ये कंटेंट है, ये टैलेंट है इसकी नजरों में। उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे था नहीं भाई, मतलब इंस्टा पे भी 200-300 फॉलोअर्स थे, यूट्यूब मेरा ग्रो करा, कुछ हुआ नहीं था, बिल्कुल ही नोबडी था मैं, तो कुछ कर नहीं सकता था। वीडियो देखता था, मेरा मूड खराब होता था, मैं कहीं क्या चूतिया आदमी है, मतलब सरेआम ही गालियां दे रहा अपनी 15 सेकंड की वीडियो में उनको, एटलीस्ट साले लिपसिंग तो कर रहे हैं, तू तो वो भी नहीं कर रहा। लेकिन अब लक्ष्य की वीडियो देखकर तो भाई लगा एटलीस्ट किसी ने तो पॉइंट आउट किया। नहीं नहीं तुम इसका रीसेंट वीडियो देखो, बेस्ट रोस्टर है भाई, रोस्टिंग कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे हैं, इस जैसे रोस्टर्स तो हमारी इंस्पिरेशन है, हम तो प्रेरणा लेते हैं। तुम इसके रोस्ट देखो थोड़ा सा। चलो कर कैसे सकता है इंटरनेट पर ये, और मैं तुम्हें इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ, रोस्ट वोस्ट तो तुमने और भी बहुत बंदों ने अभी इसके करने भी और करेंगे भी, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में भी भाई वीडियोस में बंदे बोल रहे हैं कि सोफिया के बजाय रोने इस लड़की से बंदों को क्या दिक्कतें हो रही है, क्यों भाई क्यों, इतनी तो बुद्धि अपनी भी होती है। मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े हैं भाई, जो तुम दो चार बंदे लिख रहे हो ना कमेंट सेक्शन में कि सोफिया अंसारी का रोस्ट कर, इसी जैसे चूतिया की वीडियो देखी होंगी तुम लोगों ने, पक्का तुम इन्फ्लुएंस हो गए होंगे। यही तो दिक्कत है हमें सोशल मीडिया पर, कि इस जैसे उल्लू के पट्टे के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ ऑडियंस तो होती है जो इन्फ्लुएंस हो जाती है, जैसे तुम दो चार हो गए होंगे इसका रोस्ट देख के, और तुमने मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिख दिया कि सोफिया का रोस्ट कर। भाई क्यों करूं, दिक्कत क्या है लोंडिया में, क्या दिक्कत है? ये थूत जैसी शकल बनाए बिना वीडियो में, बस तुम्हें यही नजर आएगा इसकी वीडियो में, गालियों से शुरू होती है, गालियों पर खत्म, और मुठिया चल रही पूरी वीडियो में, और कुछ नहीं। भोसरी के भाई, भोसरी के नहीं, भोस जाने दे यार। अवनीत कौर 12.6 मिलियन निशा कौर अगेन, आपको क्या लगता है इतने फॉलोवर इनके कैसे हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या करती है ये लोग जो इनके इतने फॉलोवर हो जाते हैं? भाई निशा कौर अगेन के बारे में तो पता है मुझे, आया था अभी वायरल वीडियो, क्यों कब तक आ जाए? वाह अबे शकल है उनके पास उल्लू के पट्टे जो तेरे पास नहीं है गधे की, तुम माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, समझ जाओ उनके पास शकल है, तभी तो तू उल्लू के पट्टे इतने टाइम से सोशल मीडिया पर होने के बावजूद भी 30K नहीं क्रॉस कर पाया। उनको देख शकल है, एक्टिंग है, बड़े बड़े शोज टीवी एक्टिंग करनी आती, तेरी तरह ये हाथ रख के चूतिया आप नहीं चल रहा उधर। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। भोसरी के क्या करते रहते हो भाई, दो चार दिन क्लासेस लगाओ अपनी, कम से कम प्रॉपर गाली देना तो सीखो यार, जब वही तुम्हारा काम है। इस लौंडे के कंटेंट में गालियां नहीं होती हैं, इसके गालियों में थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा तुम्हें। ये हरकतें हैं इसकी कसम से, और इसकी वजह से अपन लोग रोस्टर्स जो है ना हमारे ऊपर उंगलियां उठती है भगवान कसम। दो चार बंदे तो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देख लिए जो इस चूतिया की वीडियो देखकर आते हैं, इसको गालियां लिखते हैं, और फिर उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है रोस्टिंग तो बहन जो काम ही फुद्दू है, सारे के सारे रोस्टर्स चूती है। फिर मेरी वीडियो के नीचे आके बहन जो लिख देते हैं, तूने वीडियो में भोसरी का कैसे बोला, अरे भोसरी का मैंने बोला यार, मेरे तो एटलीस्ट कंटेंट के अंदर एक आधा गाली आ गई फ्लो में, और उतनी तो चाहिए भी ना मेरी जान। ये उल्लू ना नाम खराब कर रहा है, मैंने मुक्का मार देना इसके। जिए तो जिए नहीं, मुझे एक
बात बताओ, पब्लिक में अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के नंगा नाच करे तो पब्लिक कमेंट करेगी कि नहीं? सोशल मीडिया भी एक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक में ऐसे नंगा नाच करोगे तो पब्लिक के टंग से कमेंट निकलेगी ना, उसे झेलने की इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो मत पहनो ना ऐसे ड्रेस और मत बनाओ ना। अबे लड़कियों को अबे जस्टिफाई कर रहा है अपनी सिचुएशन, कोई भी मुक्का मार देगा उछल के तेरे मुंह पे। कैसी बात करती तूने, ऐसा फिगर होना तो ड्रीम होता है कुड़ियों का भाई। जिम लगती है लड़कियां ताकि सोफिया जैसा फिगर ला सके, इतनी बढ़िया बॉडी है। और उसके कपड़ों में क्या गलती है मुझे बता दो कोई भाई, मान जाऊंगा मैं तो खुद हैरान हूं कि बंदे बोले इसका रोज करो किस बात पे। इतनी बढ़िया बॉडी बना के अगली अगर जो बॉडी बनाता क्यों है, कोई लौंडा बॉडी बनाता है तो अपने सिक्स पैक हर टाइम तो शर्टलेस घूमता है। बिग बॉस में तो गौतम गुलाटी ने एक सेकंड के लिए कपड़े नहीं डाले। लड़का साला शर्टलेस घूम सकता है क्योंकि बॉडी है तो भाई फ्लॉन्ट कर सकता है। लड़की की अच्छी बॉडी है यार तो अगली उस टाइप के कपड़े पहन रही है। अबे कुछ तो छोड़ देता जिसपे तेरी ना बजाई जाए, कम से कम एक पॉजिटिव पॉइंट ही बता दे। पूरी वीडियो में सिर्फ माँ की बहन की यही चले जा रहा है, ऊपर से तूने पैसा खा रखा है बंदों का। अपने बंदों का पैसा कौन खाता है यार, तू आदमी है तो क्या है भाई, क्या है? ऊपर से तेरा कंटेंट भी सारा कैरी के तू डायलॉग्स मार रहा है। अजी लंगड़ा, अबे कॉपी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए होती है, यहाँ पर होती है बुद्धि, यहाँ पर फॉर बुद्धि। अबे लड़की लड़की करता रहता, लड़कियां बोसरी बोसरी करता रहता, मतलब देखा रे लड़की का। तो तू पहले लड़की बोलना सीख, लड़की लड़की का, अबे लड़की लड़की का, फिर लड़की लड़कियां। अच्छा ठीक है लड़की भाई, तेरे से बात करना तो दीवार पे मत्था मारने वाला काम है। ये थूत थूत जैसी शकल बनाए भी भाई, कुछ एक छोटी सी थोड़ा सा एफर्ट डालने की ऑडियंस को हंसा सकूं मैं। गालियां सुन के यार ऐसे कैसे चलेगा, गालियां सुन के हंसा रहा है तू, कौन हंस रहा है इस डायलॉग पर, कौन हंसेगा? तो डायलॉग गालियों की यार, जिसको दिए उसका दिमाग खराब हो जाएगा यार, कमाल है, थोड़ी तो कोशिश कर ले। हम इंक्लूडिंग मी बाकी सारे रोस्टर भी तो एटलीस्ट लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि दो चार गालियां बेशक स्क्रिप्ट में रखें लेकिन फनी बनाने की कोशिश करें कि हाँ एक पंच लाइन आए तो बंदा हंसे। तू तो डायरेक्टली माँ की बहन की गालियां दे रहे हो। डिस्क्लेमर देखो तुम, कतई कोई ऑफेंड मत होना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तेरे मुंह से जच दे रही मैं मुक्का, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गालियों से भरा है मेरे भाई। और ऑफेंड क्या ऑफेंड मत होना, किसी को माँ की बहन की गंदी से गंदी गाली जो बहन बनी भी नहीं है वो दे दी तूने सामने वाले जिसके ऊपर बनाया है, और तू कह रहा ऑफेंड मत होना। हद हो गई, बंदा ऑफेंड नहीं होएगा पता नहीं, घर के बाहर जाके देख बंदे बुंदे लेके खड़ा तुझे मारने के लिए। इतना बुरा हाल क्या हुआ तूने वीडियो के अंदर बंद होगा बेटे, जिस तरीके के रोस्ट तू बना रहा है ना कसम से, ये मेरे ऊपर भी अगर कोई हेल्दी उल्दी रोस्टिंग करे तो चलेगा, लेकिन ऐसी रोस्टिंग करी ना किसी ने इन फ्यूचर मेरे ऊपर भी, कसम से दुनिया के किसी भी कोने में रहता हूँ एक एक रुपया जोड़ूंगा, गरीब तो क्या हो गया, एरोप्लेन की टिकट करूंगा, जाऊंगा तसल्ली से मारूंगा, कुटाई करूंगा, फिर वापस आऊंगा, चाहे भीख भूख मांग के पैसा जोड़ के वापस आने की टिकट करनी पड़े लेकिन करूंगा जरूर। ऐसे तो तेरे हाल है किसी का भी खून खोल जाए, इतनी गालियां माँ की गाली से शुरू करता है बहन की गाली पे खत्म करता है और बीच में तो पता नहीं चाचे ताए सबको इन्वॉल्व करता है तू, और फिर स्टार्टिंग में लिख क्या रहा है ऑफेंड मत होना। शराब आ रही है तुम्हें? और भाई एक बात सुन, सीरियसली अनुपम सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, तू भी रोस्टर मैं भी रोस्टर और भी अपन जैसे बहुत रोस्टर मिलेंगे, हम सबका जो टॉपिक्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, निब्बा निब्बी इन सब पर हम भी बनाते हैं, तू भी बना रहा है। मैं कम से कम 70 से अबव वीडियोस डाल चुका हूं भाई, और मेरे को पता भी नहीं पुरानी वीडियोस में किसको क्या पता होते हैं, 10-10 मिनट की वीडियोस बनाता हूं, मुझे सीरियसली नहीं पता मैंने कैसी लैंग्वेज यूज किया क्या किया, लेकिन लिख के दे सकता हूं भाई अगर मैंने किसी को जिसका रोस्ट किया अगर वो मेरे रोस्ट से ऑफेंड हो जाए, क्योंकि इतना तो दिमाग यार बनाते टाइम खुद का भी लगाना चाहिए कि तू किसी को डायरेक्ट गाली ना दे माँ की बहन की, उसकी जगह तू वो तेरे पास राइट ही नहीं है भाई, साफ सी बात है। तू किसी के ऊपर वीडियो बना रहा है ठीक है, उसको न्यूट्रल रखना भाई ताकि हंसे अगला बंदा ऑफेंड ना, तू तो डायरेक्ट ही माँ बहन की गालियाँ दे रहा है भाई, इतना बुद्धि तो तेरे अंदर भी होनी चाहिए बनाते टाइम। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे रोस्टर्स है भाई, किसी की भी देख लियो कसम से, उनके भी आप पे भी मैं ही शर्त लगा रहा हूँ, उनकी में भी नहीं मिलेगी तेरे को ऐसी डायरेक्ट माँ बहन की गालियाँ, बैंचो बुंचो तो मिल जाएंगी क्योंकि वो फ्लो में निकल आती हैं एक दो, तो हमारे ना कंटेंट के अंदर थोड़ी बहुत गालियाँ मिल जाएंगी भाई, तेरे तो बैंचो पूरे के पूरे गालियों के अंदर 1-2% कंटेंट होता है, समझ मेरे भाई बात को समझ।